तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट क्रीम, जो गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है और ये बच्चों को भी पसंद आता है। और इस बहाने से बच्चे फ्रूट भी खा लेते हैं और बच्चों का पेट भी भर जाता है। और इस फ्रूट क्रीम को हम अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने क्रीम की जगह पर मैंने ये दही यूज़ किया है और इसको मैंने छन्नी में रख दिया था, जिससे इसका पानी निकल चुका है और ये बिल्कुल थिक हो गया है। और उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा दूध, बिल्कुल ठंडा है, और कंडेंस मिल्क लिया है, और थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स लिया है जो ऊपर से मुझे डेकोरेट करना है, इसको गार्निशिंग के लिए लिया है। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैंने कुछ फ्रूट लिए हैं, और मैंने लिया है मैंगो, बनाना और एप्पल, और ये खुबानी है, इसको एप्रिकॉट भी बोलते हैं, और ये बाबू गोशा, और ये मैंने चेरी लिया है, और अनार लिया है, और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी लिया है जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करूँगी। और इस फ्रूट में से जो सीजनल फ्रूट्स हो उसको यूज़ करें, और जो नहीं हो तो आप ना यूज़ करें, एक दो फ्रूट से भी बना सकते हैं फ्रूट क्रीम। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें से मैं एक एक बड़े चम्मच यूज़ करूँगी, इसको बारीक बारीक काट लेंगे पहले और फिर इसको यूज़ करेंगे। फ्रूट क्रीम को बनाने के लिए मैंने फ्रूट्स को थोड़ा काट लिया है और उसमें से थोड़ा थोड़ा लिया है मैंने, मैंगो थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने, और बनाना एक लिया है, और थोड़ा सा मैंने लिया है एप्रिकॉट, और हाफ लिया है एप्पल, और हाफ लिया है बाबू गोशा। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं एक चम्मच चीनी डाल दे रही हूँ। वैसे मुझे कंडेंस मिल्क डालना है तो वो भी मीठा होता है, तो फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। इसमें से हाफ डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टेस्ट भी कर लेंगे। अगर मीठा कम हो तो थोड़ी सी चीनी और डाल लें। कंडेंस मिल्क की जगह क्रीम से भी बना सकते हैं। दूध की मलाई को फ्रिज में रख दें और उसको मिक्सर में थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर लें और उसको यूज़ कर लें, उससे भी क्रीमी लुक आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें फ्रूट डाल दे रही हूँ, मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें फ्रूट डाल दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा फ्रूट मैं इसमें रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। मैंगो भी डाल दिया और अनार भी थोड़ा सा रख लेंगे और थोड़ा सा मैंगो रख लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने दूध लिया था, मैं थोड़ा सा दूध यूज़ कर रही हूँ और ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो पतला हो जाएगा, और नहीं भी कर सकते हैं अगर इसकी थिकनेस ठीक है तो दूध यूज ना करें। और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, कम से कम 2 घंटे के लिए रखें, तो इस तरह से अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और फिर अब इसको हम सर्व करेंगे तो फिर ज़्यादा ये पतला नहीं दिखेगा और ठीक दिखेगा। इसको ठंडा करना ज़रूरी है। अब ये सेट हो गया है, अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अब मैं इसको सर्व करूंगी, तो मैं इसको दूसरे बाउल में डाल ले रही हूँ। मुझे इसको इसमें सर्व करना है। ये फ्रूट क्रीम तैयार हो गया है और मैंने इसको कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश किया है, और ये बहुत ही टेस्टी बना है और हेल्दी भी बना है, क्योंकि इसको हम कट से बनाया है, और गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी डिश है और बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आती है। और आप इसमें से कोई भी चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, और आप इसको बनाएँ ज़रूर और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि कैसा बना। थैंक यू।